गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले पीरियड में क्लास में हमने 13वां लेसन पढ़ा था, आज हम चतुर्दश पाठ एंड 14वां पाठ पढ़ेंगे। पिछले जो वीडियो में हमने मध्यम पुरुषवाचक कंप्लीट किया था, आज हम उत्तम पुरुष एकवचन करेंगे। संस्कृत में उत्तम पुरुष का प्रयोग यानी इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाता है, जैसे आई मी इसके लिए किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी अहम, अवाम और वयम का प्रयोग है। आज हम अहम का प्रयोग करेंगे। अहम का अर्थ होता है मैं। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। उत्तम पुरुष एक वचन कर्ता के साथ उत्तम पुरुष एक वचन ही क्रिया का प्रयोग होता है, यानी यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि अहम पठामी अर्थात मैं पढ़ता हूँ। अहम का मतलब होता है मैं, पठामी का मतलब पढ़ता हूँ, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी पठामी, पठावे और पठान, यानी जिस प्रकार उत्तम पुरुष की क्रिया वैसा का वैसा प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हमने पढ़ा है अहम बालक अस्मि, मैं बालक हूँ। अहम का मतलब मैं, बालक है मतलब बालक, अस्मि मतलब हूँ, मैं बालक हूँ। अहम प्रातः विद्यालय में गच्छामि, मैं प्रातः इन सुबह विद्यालय जाता हूँ, यानी प्रातः विद्यालय जाता हूँ। अहम मतलब मैं प्रातः सवेरे या प्रातःकाल और विद्यालय को गच्छामि जाता हूँ। अहम स्मरामि, मैं स्मरण करता हूँ या याद करता हूँ, मैं स्मरण करता हूँ या याद करता हूँ। अहम प्रातः विद्यालय में गच्छामि, मैं प्रातः विद्यालय जाता हूँ। अहम स्मरामि, मैं स्मरण करता हूँ या फिर याद करता हूँ। अहम तत्र पठामि, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। क्रीडामि च और खेलता भी हूँ। अहम मतलब मैं, तत्र मतलब वहाँ, पठामि मतलब पढ़ता हूँ, क्रीडामि मतलब खेलता हूँ, च मतलब और, मैं वहाँ पढ़ता और खेलता भी हूँ। मध्यान्हकाले दोपहर के समय अहम भोजनम खादामि, मैं भोजन खाता हूँ यानी भोजन करता हूँ। दोपहर में मैं भोजन करता हूँ। सायंकाले अहम बहि भ्रमामि, सायंकालीन संध्या काल के समय मैं बाहर घूमने जाता हूँ यानी घूमता भी हूँ। तो यहाँ देखिए बहि का अर्थ होता है बाहर होता है, भ्रमामि का मतलब घूमता हूँ या भ्रमण करता हूँ। तो बेटे यहाँ अहम शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए अहम पहला शब्द अहम लिखा है, बालकास्मि, अस्मि का प्रयोग हमने किया है तो अहम के अनुरूप किया है। अहम गच्छामि शब्द लिखा है तो अहम के अनुरूप ही गच्छामि का प्रयोग किया गया है। अहम क्रीडामि पठामि ये शब्द का प्रयोग किया तो उत्तम पुरुष एक वचन का किया है। अहम भोजनम खादामि तो इसका मतलब खादामि जो प्रयोग किया है वो अहम के अनुरूप ही किया है। अहम बहि भ्रमामि यानी सायंकाले अहम बहि भ्रमामि यानी सायंकाल मैं बाहर घूमता हूँ, तो यहाँ भ्रमामि शब्द का प्रयोग किया है तो वो अहम के अनुरूप ही किया है। अब आगे लिखा है अहम, ये बालिका लिखा है या बालिका है ध्यान रखना, ये इसको थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको सही कर लेना। अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। अब यहाँ देखिए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसी प्रकार की उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का जो करता हो तो क्रिया पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि त्वम का प्रयोग करता है तो वो लड़की के लिए भी होता है, लड़के के लिए भी होता है। अहम का प्रयोग होता है वो लड़की के लिए और लड़की दोनों के लिए होता है। तो अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। अहम मित्रेण सह खेलामि, अहम मित्रेण सह खेलामि, मैं मित्र के साथ खेलती हूँ। सह का मतलब होता है साथ। सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है तो मित्रेण में तृतीया का प्रयोग किया है। अहम कर्ता है, कर्ता में प्रथमा है, लेकिन मित्रेण में तृतीया का प्रयोग किया गया है। अहम सदा सत्यम मधुरम च वदामि, मैं हमेशा सत्य और मधुर बोलता हूँ। अहम मतलब मैं, सदा मतलब हमेशा, सत्यम सत्य, मधुरम और मधुर, च वदामि और बोलता हूँ, मैं हमेशा सत्य और मधुर बोलता हूँ। अहम मातरम पितरम च नमामि, नमामि मतलब नमस्कार करता हूँ। अहम मैं मातरम मैंने माता को, पितरम और पिता को, नमामि नमस्कार करता हूँ। तो मैं माता और पिता को नमस्कार करता हूँ। तो मातरम यहाँ माता को, पितरम मतलब पिता को, च का अर्थ होता है और।
अहम प्रातः विद्यालयं गच्छामि, मैं प्रातःकाल विद्यालय जाती हूँ। अहम प्रातः विद्यालयं गच्छामि, मैं प्रातःकाल विद्यालय जाती हूँ। यहाँ देखिए बालिका शब्द का लिखा है ना, इस कारण से यहाँ स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग करें, क्योंकि उसके अनुरूप यदि हम ऐसा लिख दें मैं विद्यालय जाता हूँ तो भी गलत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अहम प्रातः विद्यालयं गच्छामि, मैं प्रातःकाल विद्यालय जाता हूँ। अहम 10 वर्षीय बालिका अस्मि, मैं 10 साल की बालिका हूँ, मैं 10 साल की बालिका हूँ। तो यहाँ देखिए कि इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो यदि कोई प्रश्न मध्यम पुरुष में हो तो उसका उत्तर उत्तम पुरुष में होता है, जैसे त्वं किं पिबसि, तो अहम दुग्धं पिबामि। क्या पूछा है, त्वं किं पिबसि, तुम क्या पीते हो, तो उत्तर क्या आएगा, अहम दुग्धं पिबामि, मैं दूध पीता हूँ। तो ध्यान देखना, कोई भी क्वेश्चन यदि मध्यम पुरुष में पूछा गया है तो उसका उत्तर किस में आएगा, उत्तम पुरुष में उसका प्रयोग किया जाएगा। तो बेटा दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ, अहम शब्द का अर्थ होता है मैं, ये उत्तम पुरुष एक वचन है, अहम आवाम वयम, तो यहाँ अहम अकेले का प्रयोग किया, ये एक वचन का है। कर्ता जैसा होगा क्रिया भी वैसी ही आएगी, चाहे उत्तम पुरुष है चाहे मध्यम पुरुष, यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग होगा। दोबारा देखिए इसके अंदर, यहाँ लिखा है ना स्मरामी याद करना, क्रीडामी खेलना, पठामी पढ़ना, खादामी खाता हूँ, ठीक है, और भ्रमामी घूमता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार अस्मि, अस्मि का क्रिया के लिए आता है, जैसे अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ, तो ये क्रिया को पूर्ण करने के लिए पूरा क्रिया के रूप में आता है। खेलामी खेलता हूँ, वदामी बोलता हूँ, ठीक है, नमामी नमस्कार करता हूँ, गच्छामी जाता हूँ, अस्मि हूँ, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, क्रिया के रूप में करते हैं। यहाँ देखिए सह का अर्थ साथ होता है, जैसे अहम मित्रेण सह खेलामी, मैं मित्र के साथ खेलती हूँ, यानी सहेली के साथ खेलती हूँ, तो यहाँ सह का अर्थ क्या है, साथ होता है, और सह के योग में हमेशा मित्रेण में तृतीय का प्रयोग है, तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आज जो तीसरा अपना लेसन हुआ था, 13वां लेसन हुआ था, उसके प्रश्नोत्तर आपको PDF के द्वारा दे दिया जाएगा, और इस क्वेश्चन जो पेपर है जो अपने ये लेसन है उसके भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के द्वारा दे दिया जाएगा, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में हम 15वां लेसन है वो लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।